जब मैं मजबूर होना पड़ा कि हम हिमाचल निर्माता डॉक्टर प्रमार, जिनका इस प्रदेश को अस्तित्व में लाने में योगदान रहा है और जिन्होंने करने के बाद सबसे पहले जोर दिया कि हिमाचल में जो हॉर्टिकल्चर है वो मजबूत होना चाहिए, काफ़ी दिनों से हम मांग कर रहे हैं। जिस ढंग से लगातार मार्केट डाउन होती जा रही है, ये किसानों के लिए निस्संदेह चिंता का विषय है। हमने कई बार सरकार को चेताया, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार के कान में कोई जू नहीं रहेंगे। इसलिए हमें आज मजबूरन जो है डॉक्टर परमार की प्रतिमा के सम्मुख जो है धरने पे बैठना पड़ा। हम सरकार को इस धरने के माध्यम से जगाना चाहते हैं। हमारे जो बागवान हैं बहुत परेशानी है। हमने सरकार से कहा था कि ये क्यों हुआ है, कहीं ना कहीं इसके पीछे जो सेब के व्यापारी हैं, जो आढ़ती हैं, उनकी मिलीभगत जो है सामने नज़र आ रही है। एक तो दाम पहले गिर रहे थे, उसके बाद जो अडानी ग्रुप है जिनके हिमाचल में सीए स्टोर हैं, उन्होंने जो है दाम निश्चित किए 72 रुपये, जो लगभग उन्होंने आज से 8 या 10 साल पहले ये दाम तय किए थे, उससे मार्केट और ज़्यादा डाउन होगी। देखिए, जो प्रीमियम क्वालिटी का सेब है, जो उच्च गुणवत्ता का सेब है, उसके 72 रुपये, यानी लगभग 1400-1500 के करीब एक सेब की पेटी। आप ये बताइए कि दाम और ज़्यादा गिरना तय है। हमारी मांग है कि तुरंत हस्तक्षेप करें और दामों को तय करें, और इसके पीछे जाने की ज़रूरत है। और कई जगह पे ओपन बोली नहीं लग रही, कहीं ना कहीं घाल मेल। अब मैं बिल्कुल साफ तौर पे चेतावनी देना चाहता हूँ, और जो बागवानी मंत्री हैं वो तो बिल्कुल बागवानों के खिलाफ है। और अभी तक इतना कुछ सेब बहुल क्षेत्र में हुआ, एक बार भी मुख्यमंत्री ने सुध नहीं ली, एक बार भी बागवानी मंत्री ने सुध नहीं ली कि वो जाके बागवानों के बीच में जाते, बात करते कि आपको क्या तकलीफ है। तो बागवानी मंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए। हमें ऐसा बागवानी मंत्री नहीं चाहिए जो बागवानों के शोषण में कहीं ना कहीं सम्मिलित है। और मुझे एक बात और लगता है, मैं बिल्कुल ये आरोप लगाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं और चुनाव के लिए जो धन संग्रह होगा वो इसी तरह से होगा। बड़े बड़े जो आढ़ती हैं, अडानी हैं, ये लोग इन भारतीय जनता पार्टी को पैसा देंगे, मेरा स्पष्ट आरोप है।